हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 6 बज गए हैं और आज जाना है कंपनी, और जिस दिन कंपनी जाना होता है उस दिन 6 बजे का टाइम इज लाइक नॉट सो अर्ली नॉट सो लेट, सारे काम हो जाते हैं और ना कोई जल्दबाजी रहती है। तो अभी एज यूजुअल दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम के साथ। एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरे को एकदम से याद आई, परसों हमारी कंपनी में एक नए एम्प्लॉय आए हैं सेल्स एंड डिपार्टमेंट में। वो उड़ीसा के ब्राह्मण हैं और वो मेरे से बोले कि आप नॉन वेज खाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आज तक एग को भी टच नहीं किया है। बोले कि मैं नॉन वेज खाता हूँ। तो पहली बार मिले थे तो मैंने इतना कुछ डिस्कस नहीं किया। तो वो खुद ही बोले कि वो छोड़ना चाह रहे हैं नॉन वेज को, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने तभी कहा कि मैं नेक्स्ट वर्किंग डे को आपके लिए एक बुक लाऊंगा और आज मैं ये बुक जीने की राह उनको दे के आऊंगा। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता है कि वो गलत हैं, हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होती। सतगुरु के वचन और उनके आशीर्वाद, उनकी भक्ति में वो पावर होती है जो हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। तो मैं ये जीने की राह बुक आज उनके लिए ले जाऊंगा, आज उनको बुक दूंगा और टाइम मिला तो थोड़ा उनके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो भी रेडी हो लिया हूँ, निकल रहा हूँ कंपनी के लिए। मेरी छुट्टी कितनी जल्दी चली गई ना कल की, और आज का दिन देखना कितना बड़ा लगेगा। तो अभी कंपनी पहुंच गया हूँ मैं, अब करेंगे ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में है सिर्फ ड्राई फ्रूट्स थे। उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर उठ गया तो फिर कुछ बनाने का मन नहीं किया। लंच तक काम चल जाएगा तो अभी जा रहा हूँ ऑफिस में। कॉल लेट उठाई अंकल जी ने, लेकिन लंच टाइम पे आ गया तो अभी लंच करने जा रहा हूँ। अभी चल रहा है टी ब्रेक, मैं नीचे जाके कुछ डायमेंशंस लेके आ रहा हूँ वर्क प्रोजेक्ट की। अभी 4:30 हुए हैं, 1 घंटा और है, और 1 घंटे में कोशिश है जो कंपनी प्रोजेक्ट चल रहा है आज उसको कंप्लीट कर दें। तो अभी सब लोग जा चुके हैं ऑफिस से, 6 बज गए हैं। अब प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कंपनी प्रोजेक्ट इसका लास्ट डे है कि आज जितना हो गया उतना क्लोज कर दो इसको, कल शायद कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा। ये 80% हो गया लगभग। मैं सोच रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर दूँ ताकि अब ये प्रोजेक्ट जिसके पास जाएगा उसको अच्छे से समझ में आ जाए और जो बचा हुआ जितना भी रहेगा उसको जल्दी से कर ले। कोशिश ये है कि 80 से इसको 90% कर दूं और फिर जाऊं ऑफिस से, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट मिलेगा। आज मीटिंग हुई थी तो सबको अलग अलग प्रोजेक्ट मिले हैं। इतना हो सकता है आधे घंटे में उतना करूंगा और फिर निकलूंगा रूम के लिए। अभी 6:30 हो गए हैं, रूम के लिए निकल रहा हूँ। और आज मैंने सभी लेट हुए हैं क्योंकि कई देर तक मीटिंग्स चली हैं। आज सबको प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसके पास जो भी प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट करने में लगा हुआ था। मेरे सर अभी बैग उठा के गए थे, वापस आके कुछ ड्राइंग्स निकाल के लेके गए हैं। तो सबका यही सीन था। तो मेरा भी आज ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है, कल कुछ नया प्रोजेक्ट मिलेगा। तो अभी रूम पे आ गया हूँ मैं। सुबह बुक देने की कह रहा था जीने की राह, वो आज वो बुक नहीं दे पाया क्योंकि सब लोग मीटिंग्स में बिजी थे। तो कल कोशिश करूँगा वो बुक देने की। तो अभी कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा खा पी लिया है और अब लगाता हूँ आरती। सर्वसंगत से प्रार्थना है, संध्या आरती का समय हो गया है, आरती स्थल पर आने की कृपा करें। जिन सर से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ वो भी काफी स्पिरिचुअल है और शायद विष्णु जी के उपासक हैं और उनका नाम भी विष्णु ही है। रूम पे आ गया हूँ मैं और मैस में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे खाना खाया। और जैसा मैं बोल रहा था ना, सर काफी स्पिरिचुअल लगते हैं मेरे को, उनका नाम भी विष्णु है, वही मिला।
सर के टीवी में जो सीरियल चल रहा था वो भी गणेश का कोई सीरियल है वो चल रहा था, तो कोशिश करेंगे सर को भी गुरु जी के बारे में बताने की, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताने की, कभी ना कभी उनको गुरु जी की बुक भी दे के आऊँगा। आज की व्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए।